से हड़ताल पहुँचा 55,000 विक्रेता को सरकारी सेवा घोषित करो। हम लोग सरकार से अपनी 8 सूत्री लंबित मांग के लिए सरकार को 2 साल से हम लोगों ने अपनी मांग पत्र रखा है। सरकार बार बार हमारी मांग को हमारे साथ वार्ता करके राज कमिटी एसोसिएशन द्वारा वार्ता करके और हमारी मांग को ढुलमिल नीति के तहत आज तक पूरा नहीं किया। पॉश मशीन लगने के पहले हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। पॉश मशीन लगने के पहले हमारी पूर्व लंबित 8 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग हमको सरकारी सेवक घोषित करना है। दूसरा मांग यदि उसमें किसी तरह का दिक्कत है तो हमको 30,000 रुपया मान दे दे, नहीं तो हमने कहा पॉश मशीन लगने के पहले बिहार के विक्रेता को अन्य राज्य के भांति, चूँकि भारत में और राज्य में 2 रुपया 3 रुपया कमीशन है और बिहार में वर्षों से 70 रुपया कमीशन है, जिसमें विक्रेता का पेट ही नहीं भर रहा है। और हमने सरकार से अल्टीमेटम दिया जो केरल के तर्ज पर हमें भी मानदेय कमीशन मिलना चाहिए, केरल में 8,500 रुपया मानदेय और 220 रुपया कमीशन है। हमने सरकार से मांगा है जो केरल के तर्ज पर मुझे मानदेय और कमीशन लागू करें, अन्यथा हम 1-1-2020 से पूरे बिहार के 55,000 विक्रेता हड़ताल पर चले जाएंगे। और सरकार से हमने 22-11 को अल्टीमेटम सरकार को दिया था जो हमारा मांग 15-12 तक पूरा करे, अन्यथा हमने 18-12 को समाहरणालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांग पत्र को सौंपेंगे और उस दिन हड़ताल की संपुष्टि करेंगे जो 1 जनवरी 2020 से हम हड़ताल पर चले जाएंगे।